बिजनौर खबर टीवी में आपका स्वागत है। बिजनौर के नागल में देर रात हुए भट्टा स्वामी के अपहरण के मामले में पुलिस ने भट्टा स्वामी को सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस टीम ने 4 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों के पास से अवैध हथियार और गाड़ी भी बरामद हुई है। मामला बिजनौर के नागल थाना क्षेत्र का है, जहाँ देर रात में देर शाम लगभग 9 बजे नजियाबाद के रहने वाले अनुज कुमार अग्रवाल ने थाने में तहरीर देकर बताया कि उसके भाई सौरभ अग्रवाल ईंट भट्टे पर बैठे थे, तभी सफेद रंग की मारुति कार व मोटरसाइकिल सवार बदमाश तमंचे के बल पर जबरदस्ती गाड़ी में डालकर अपहरण कर ले गए। अपहरण की सूचना पर पुलिस की कई टीमें तलाश में जुट गई। देर रात पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार व मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस मुठभेड़ में 4 बदमाश पकड़े गए, साथ ही अपहरण किए गए भट्टा स्वामी सौरभ अग्रवाल को भी सकुशल पुलिस टीम ने बरामद कर लिया। ये भट्टा स्वामी का अपहरण होता, खुलासा किया गया है, क्या मामला है? कल लगभग 9:15 बजे रात्रि में अनुज अग्रवाल, जो कि नजीबाबाद कस्बे के रहने वाले हैं, उनके द्वारा अपने भाई के अपहरण की सूचना दर्ज कराई गई। सूचना प्राप्त होते ही नागल पुलिस तत्काल सक्रिय हुई, सभी जगह नाकाबंदी की गई। नागल पुलिस को आलमपुर पुलिया के पास एक मोटरसाइकिल और एक मारुति कार रोकने का जब उन्होंने प्रयास किया तो उसमें बैठे व्यक्तियों ने पुलिस पार्टी पर हमला किया, फायर किया, घेराबंदी करके उनको पकड़ा गया। जो कार रोकी गई तो उसमें से अपहृत सौरभ अग्रवाल को सकुशल बरामद किया गया। 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई, जिनके पास से रस्सी, चाकू, तमंचे बरामद हुए। इसमें से एक विशाल तोमर, दूसरा सलीम, तीसरा कपिल, चौथा भोले है। जो घटना का सूत्रधार है वह कपिल अपहृत का सगा भतीजा है, जो अभी 8 साल की 304B में सजा काट के जेल से आया है। उसने पैसे वसूल करने के लिए इस षड्यंत्र को रचा और पैसे देकर 2 ऐसे लोगों को हायर किया जो कि उनको अपहृत करके और उनको चंगुल में लेके पैसा उगाहते, उसके बाद उनकी हत्या कर देते हैं।